पेंट के बहुत सारे वैरायटीज आते हैं, जिसमें ऑयल पेंट एक स्लो ड्राइंग पेंट है। इस पेंट को बनाने के लिए ड्राइंग ऑयल में कलर के पिगमेंट्स मिक्स किए जाते हैं। ज्यादातर लिंसीड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये कलरलेस होता है। फिर इस पेंट को थोड़ा थिक बनाने के लिए उसमें टर्पेंटाइन, व्हाइट स्पिरिट और वार्निश जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। ऑयल पेंट बनाने के लिए कलर पिगमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे मैंने कहा, ऑयल पेंट कलरलेस ऑयल से बनता है, तो उसमें ऑयल मिक्स होने वाला पिगमेंट ढूंढना मुश्किल काम है। उसके बाद इस बात पे भी ध्यान देना होता है कि कोई भी पिगमेंट टॉक्सिक ना हो। देखा जाए तो ऑयल पेंट ऑयल और पिगमेंट से मिक्स हुई एक बेसिक चीज होती है, लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ ऑयल पेंट्स काफी महंगे आते हैं, तो फिर इसकी वजह क्या है? इस सवाल का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्काई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑयल पेंट का इस्तेमाल काफी सालों से करते आ रहे हैं। सबसे पहले ऑयल पेंट का इस्तेमाल रेनेसेंस पीरियड में किया था। उस वक्त ऑयल पेंटिंग्स वॉलनट और पॉपी सीड ऑयल के इस्तेमाल से करते थे। फिर ऑयल पेंट को थिक करने के लिए फिलर्स और थिकनेस ऐड किए जाते थे। आज के वक्त में भी ऑयल पेंट ज्यादातर ऐसे ही बनाए जाते हैं, लेकिन ऑयल पेंट ऐसी चीज है जो 100 साल पहले भी महंगी थी और आज भी है। और ऑयल पेंट के महंगे होने का मेन रीजन है इसमें ऐड किए जाने वाले पिगमेंट्स, क्योंकि ऑयल पेंट से पेंटिंग बनाए जाते हैं और अगर पेंटिंग में अच्छे क्वालिटी के लॉन्ग लास्टिंग कलर्स नहीं रहे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। अगर आपके पास बहुत से वैरायटी कलर्स होंगे लेकिन वो जल्दी फेड हो जाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। पिगमेंट जितनी अच्छी क्वालिटी का रहेगा उतना उसका कलर लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। जैसे कोई भी बेस्ट क्वालिटी की चीज आप ले तो उसकी प्राइस हाई होती है, वैसे ही ऑयल पेंट में बेस्ट क्वालिटी का पिगमेंट हो तो उसकी प्राइस ज्यादा होती है। हाईएस्ट क्वालिटी ऑयल पेंट में 75% पिगमेंट होता है। सही कलर का पिगमेंट ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, पिगमेंट बेस्ट होगा तो कलर ज्यादा टाइम तक अच्छा रहेगा। कलर के हिसाब से पिगमेंट ढूंढने में काफी खोज की जाती है। जैसे रोमन टाइम्स में टायरियन और पर्पल कलर सी स्नेल्स के ग्लैंड से बनाया जाता था और सिर्फ 2 ग्राम कलर के लिए 12,000 स्नेल्स की जरूरत पड़ती थी। तो सोचे ज्यादा क्वांटिटी में कलर बनना हो तो कितनी जरूरत पड़ेगी। पिगमेंट की क्वालिटी और हम कितने क्वांटिटी में कलर खरीदते हैं उतना वो महंगा मिलता है। ऑयल पेंट में सबसे महंगी चीज पिगमेंट ही है, जिसके बिना ऑयल पेंट बन ही नहीं सकता। पिगमेंट कहाँ से मिलता है, फिर उसको इंडस्ट्री में ट्रांसपोर्ट करना, ये सारे फैक्टर्स के साथ प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है वो भी देखा जाता है। ब्लू, पिंक, येलो, रेड जैसे रेगुलर कलर्स ज्यादा यूज होते हैं तो उसकी प्राइस थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन कोई रेयरली मिलने वाला कलर हो तो उसे बनाने में भी टाइम ज्यादा है, जिस कारण वो पर्टिकुलर कलर बाकी कलर से ज्यादा महंगा मिलता है। सबसे प्योरेस्ट फॉर्म पिगमेंट अफगानिस्तान में मिलता है। लेपिस लाजुली नाम के पत्थर से सबसे प्योर पिगमेंट मिलते हैं। कुछ कलर के पिगमेंट्स बनाना भी काफी मुश्किल काम होता है। जैसे कोबाल्ट ब्लू कलर के लिए कंपोनेंट्स 1200 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किए जाते हैं। कोई भी कलर बनाने के काम यहीं पे नहीं खत्म होता है। पिगमेंट के साथ अलग एडिटिव ऑयल्स भी इस्तेमाल होते हैं। कलर के प्रोसेसिंग के लिए अलग टाइप के मशीन्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जब कलर इतना महंगा मिलता है तो उसकी क्वालिटी बेस्ट है या नहीं वो चेक करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए फिर कलर की क्वालिटी की टेस्टिंग की जाती है। ये सारी प्रोसेस के बाद ऑयल पेंट्स बनाए जाते हैं, और ऑयल पेंट्स की क्वालिटी अच्छी होना काफी जरूरी है ताकि पेंटिंग सालों के बाद भी वैसे ही अट्रैक्टिव लगे जैसे आपने बनाए हो। जैसे कि पेंटिंग बनाने के मटेरियल्स महंगे मिलते हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो उस मेहनत और पैसे की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तब आपके इस वीडियो पे क्या व्यूज है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।